वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फाइलम क्रोडाटा। और ये जो क्रोडाटा फाइलम है, ये मोस्ट डाइवर्स एंड एडवांस फाइलम है। इसके अंदर तीन सब फाइलम आता है, यूरोक्रोडाटा, सेफालोक्रोडाटा एंड वर्टिब्रेटा। ये वीडियो में हम यूरोक्रोडाटा एंड सेफालोक्रोडाटा के बारे में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वर्टिब्रेटा के बारे में, क्योंकि वर्टिब्रेटा थोड़ा बड़ा है, इसलिए उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। तो ये जो क्रोडाटा है, जिसका नोटोकॉड होता है, उसको क्रोडाटा बोलते हैं, ठीक है। तो देखेंगे क्या क्या सब कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका। तो चलो स्टार्ट करते हैं। माइसेल्फ प्रियरंजन त्रिपाठी, और आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल। पहले हम देखेंगे फाइलम क्रोडाटा का टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज। टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज 50,000 है, बहुत ही ज़्यादा है लिविंग स्पीसीज। और कोडा का मीन्स है स्ट्रिंग और स्टिप, जिसको नोटोकॉड बोलते हैं, इसलिए इसको क्रोडाटा कहते हैं। वॉल्फर कॉइन द टर्म मोस्ट हेटेरोजीनियस ग्रुप ऑफ एनिमल्स, मतलब डाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा है। अब हम देखेंगे इसका प्रिमिटिव कैरेक्टर्स। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉड, प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरिंगियल क्लेफ्ट, प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल, ये चार जो है प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार एग्जाम में आता है, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद हम इसका जनरल कैरेक्टर्स देखेंगे। जनरल कैरेक्टर्स में इसका पहले हैबिटेट का क्या है, एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल एरियल, मतलब कोई भी हैबिटेट में अगर हम देखेंगे तो हमको क्रोडाटा मिलेगा। कैटिलाजिनियस और बोनी एंडोस्केलेटन प्रेजेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम इसका कंप्लीट है, और डाइजेस्टिव ग्लैंड सब है, डाइजेशन में हेल्प करता है, मतलब एडवांस टाइप है। रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है और लंग्स के थ्रू भी होता है। दो टाइप का रेस्पिरेटरी सिस्टम दिखाई देता है डिफरेंट ग्रुप में। सर्कुलेटरी सिस्टम अगर देखेंगे तो क्लोज टाइप है, मोस्ट एडवांस है, लेकिन इसका जो हार्ट है, हाँ, वो उसका चैम्बर होता है, जैसे कि फिश का टू चैम्बर हार्ट, ओके। और अगर हम देखेंगे एम्फीबिया रेप्टाइल्स, इनका थ्री चैम्बर हार्ट, क्रोकोडाइल का फोर चैम्बर, इनकम्प्लीट फोर चैम्बर, एंड बर्ड्स एंड ममल्स का कम्प्लीट फोर चैम्बर हार्ट है, मतलब चैम्बर होता है हार्ट में। हार्ट वेंट्रली प्रेजेंट विथ आरबीसी भी होता है। एस्क्रिक्शन बाय किडनी थ्री टाइप का है, मेजोनेफ्रस, प्रोटोनेफ्रस, प्रोनेफ्रस एंड मेटानेफ्रस। सबसे जो एडवांस टाइप है वो है मेटानेफ्रस किडनी। अब हम देखेंगे इसका नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम एडवांस टाइप है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम यूनिसेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, लेकिन हर्माफ्रोडाइट भी एक एक दिखाई देते हैं, उसके बारे में आगे हम देखेंगे। एक्सटर्नल और इंटरनल दो टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है। सम आर हर्माफ्रोडाइट, जैसे कि मैंने अभी बोला, हर्माफ्रोडाइट मतलब बाइसेक्सुअल। डेवलपमेंट इसका डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट। हाईली इवॉल्व्ड है क्रोडाटा। वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड दो टाइप का क्रोडाटा होते हैं। रीजनरेशन पावर पुअर है। अब हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। जैसे कि मैंने बोला था, क्रोडाटा को तीन भाग में डिवाइड किया गया है, यूरोक्रोडाटा, सेफालोक्रोडाटा एंड वर्टिब्रेटा। ये तीनों इसका सब फाइलम है। इसको ऐसे भी क्लासिफाई करते हैं, जैसे कि यूरोक्रोडाटा और सेफालोक्रोडाटा को प्रोटोक्रोडाटा बोलते हैं, और वर्टिब्रेटा को यूक्रोडाटा बोलते हैं। ये भी एक टाइप का क्लासिफिकेशन है। तो चलो हम शुरू करते हैं यूरोक्रोडाटा के बारे में। ये जो यूरोक्रोडाटा है, इसका हैबिटेट मैराइन है, ये एक्सक्लूसिवली फाउंड इन मैराइन। फ्री स्विमिंग है, सेडेंटरी है, मतलब पानी में रहता है, पानी के अंदर बॉटम में रहता है। बॉडी इज एनक्लोज्ड विथ ए टेस्ट फॉर्म्ड ऑफ सेलुलोज लाइक ट्यूनिसिन। इसका बॉडी का ऊपर जो स्किन है उसको टेस्ट बोलते हैं, वहाँ से केमिकल सिक्रेशन होता है सेलुलोज लाइक, जिसको ट्यूनिसिन बोलते हैं, इसलिए यूरोक्रोडाटा को ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं। बॉडी वॉल सिक्रेट्स टेस्ट, बॉडी का जो वॉल है वो टेस्ट सिक्रेशन करता है। फेरिंग्स इज परफोरेटेड विद गिल स्लिट, इसका गिल स्लिट होता है रेस्पिरेशन के लिए। यू सेव एलिमेंटरी कैनल। सिलियरी मोड ऑफ फीडिंग, इसका सिलिया होता है जिसके थ्रू ये फूड को एंटर करता है बॉडी, उसका माउथ में। हैविंग एंडोस्टाइल, ये फेरिंग्स रीजन में होता है, व्हिच इज द फीडिंग एपरेटस। गैंग्लियोनेटेड नर्वस सिस्टम दिखाई देता है इसका। अब हम इसका कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, जैसे कि नोटोकॉड प्रेजेंट इन लार्वल स्टेज एंड एब्सेंट इन एडल्ट स्टेज, मतलब लार्वल का जो टेल रीजन होता है वहाँ पर इसका नोटोकॉड होता है, और टेल कट हो जाता है, इसलिए एडवांस जो एडल्ट स्टेज में नोटोकॉड एब्सेंट है। हर्माफ्रोडाइट
मतलब बाइसेक्सुअल एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट प्रेजेंट इन यूरोकोडाटा। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस फाउंड। रेट्रोग्रेसिव का मतलब है ऑपोजिट, मतलब जैसे मेटामॉर्फोसिस इसका जो लार्वल डेवलपमेंट होता है उस टाइम में टेल डीजेनरेट हो जाता है, इसलिए इसको रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। लार्वल स्टेज प्रेजेंट है। इसका जो लार्वा का नाम है उसका नाम है एस्किडियन लार्वा। प्रोटोगाइनस कंडीशन फाउंड। प्रोटोगाइनस मतलब गाइनोसियम, मतलब फीमेल पार्ट पहले एक्टिव होता है बाद में मेल पार्ट। एग्जाम्पल है हर्मानिया, डोलियोलम, साल्पा, ये सब इसका एग्जाम्पल है। अब हम देखेंगे सेफालोकोडाटा। नोटोकॉड प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ एंड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल रीजियन। फेरिंग्स इज परफोरेटेड विथ मेनी फेरिंगियल गिल स्लिट। फिन्स आर सपोर्टेड बाय फिन रेज। प्रेजेंस ऑफ एंडोस्टाइल होमोलोगस टू थायरॉयड और वर्टिब्रेट। प्रेजेंस ऑफ व्हील ऑर्गन। तो इसका नोटोकॉड थ्रू आउट द लाइफ दिखाई देता है एंड हेड से टेल रीजन तक एक्सटेंड होता है। फेरिंग्स परफोरेटेड है, छोटा छोटा सा पोर है और गिल स्लिट फॉर्मेशन करता है। सपोर्टेड बाय फिन रेज मतलब इसका डॉर्सल, वेंट्रल मतलब जो पेल्विक, पेक्टोरल एंड कॉडल, ये तीनों फिन्स है विथ फिन रेज। एंडोस्टाइल होता है जो कि होमोलोगस टू वर्टिब्रेट का थायराइड ग्लैंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है, ये फेरिंग्स रीजन में दिखाई देता है। प्रेजेंस ऑफ व्हील ऑर्गन। व्हील ऑर्गन जो सिलियरी फीडिंग में हेल्प करता है, फूड इंजेशन में हेल्प करता है। तो ये सब हुए सेफालोकोडाटा का कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद हम कुछ अदर कैरेक्टर्स देखेंगे, स्पेशल कैरेक्टर्स, जैसे कि एस्क्रिक्शन बाय प्रोटोनेफ्रिडिया। नो हार्ट बट सेगमेंटेड मसल्स प्रेजेंट। यूनिसेक्सुअल है ये। गोनाड्स आर सेगमेंटल, एग्जाम्पल एम्फियोक्सस। तो प्रोटोनेफ्रिडिया इसका एक्सक्रीटोरी ऑर्गन है, ये आपको याद रखना है। और जो हार्ट है ये एब्सेंट होता है एंड सेगमेंटेड मसल्स होता है जो कि हार्ट जैसा फंक्शन करता है। ये यूनिसेक्सुअल है। गोनाड्स आर सेगमेंटल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम कुछ डायग्राम देखेंगे। ये एम्फियोक्सस का डायग्राम है सेफालोकोडाटा। बॉडी इज पॉइंटेड एट टू साइड, टैपर बॉडी, फिश लाइक उसका मसल्स देखो सब है, मायोटोम्स उसको बोलते हैं। और सिलियरी फीडर है, देखो इसका माउथ के पास सब सिलिया है। ये हर्मानिया यूरोकोडाटा का एग्जांपल। इसका ब्रांकियल अपरेचर एंड एट्रियल अपरेचर दो होता है, ठीक है। उसका देखो स्किन को टेस्ट बोलते हैं जो कि ट्यूनिसिन सीक्रेट करता है, इसलिए इसको ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं। तो ये सब डायग्राम थोड़ा थोड़ा याद रखना है क्योंकि डायग्रामेटिक क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। और एनसीईआरटी में जितना भी ये डायग्राम है उसको ठीक से पढ़ाई करो। अब ये देखो एक मॉडल है एम्फियोक्सस का, इसका इंटरनल पार्ट दिखाया है। नोटोकॉर्ड देखो पूरा एक्सटेंड हुआ है हेड से टेल रीजन तक। तो ये सब देखो, इसका जो माउथ पार्ट है, माउथ पार्ट में भी सिलिया है, सिलियरी फीडर है, और सेगमेंटल गोनाड्स एंड फेरिंग्स परफोरेटेड, ये सब है। तो आज के लिए इतना ही देखेंगे। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।